एक्चुअली ये गाना हम लोग ने किया था राजीव जी अप्रोच्ड अस एंड ही स्पोक हाईली अबाउट रविंदर दैट हिज नॉवल इज अ वेरी वेरी बिग हिट एंड आई सेड कि मैं पढ़ता नहीं आता स्कूल में भी नहीं पढ़ते थे तो ही सेड कि तुम्हारे को अच्छी लगेगी नॉवल बिकॉज बिल्कुल तुम्हारे से बंदों के लिए तो सो बेसिकली ही सेड जस्ट यू नो इट शुड बी अ हैप्पी सॉन्ग एंड इट शुड रिमाइंड यू ऑफ योर स्कूल डेज एंड आई थिंक वही हमने कोशिश करी है नहीं बिल्कुल देखिए ये जो कॉन्सेप्ट था कि किसी किताब के लिए एक गाना करना था और ये शायद पहली बार इस तरह से कुछ हुआ है तो मैं भी शुरुआत में जब ये ऑफर आई थी तो मैं सोच रहा था कि ना फिल्म में आएगी ना कहाँ आएगी क्या करना है गाने के साथ लेकिन जब पता चला कि मेरे स्कूल के दोस्त हैं और हम लोग मिलकर एक वक्त था जब हम मिलकर एक रॉक बैंड भी बनाने की प्लानिंग कर रहे थे बैंड भी बना नहीं या शायद बैन हो गया पता नहीं क्यों लेकिन हम बहुत बचपन के दोस्त थे सिद्धार्थ सुहास और जब उन्होंने कहा कि हम लोगों ने गाना किया है तिवारी जी जो कलकत्ता में रहते हैं हम बहुत सालों से उनसे भी वाकिफ़ है राजीव भाई रिकॉर्ड्स उनका कंपनी था तो तब से मैं उन्हें जानता हूँ तो सचमुच उनसे मिलकर लगा कि मैं भी मेमोरी लेन चले गया हूँ और फिर रविंद्र के बारे में मैंने जब जानकारी हासिल की और पता चला कि उनकी जो एक सहज स्टाइल है लिखने का जो लोगों को बहुत पसंद आता है उनको लगता है कि जैसे कि वो खुद ये बात कह रहे हैं अपनी बात किताब में पढ़ रहे हैं तो ये सब जानकर बहुत अच्छा लगा एसोसिएशन करेक्ट है तो कहाँ के कर लेते हैं क्योंकि मुझे भी नॉस्टैल्जिया मुझे भी पुरानी बातें मुझे भी पुराने दिनों में जीना बहुत पसंद करता हूँ और पता नहीं क्यों मैं उन दिनों से ज़्यादा रिलेट करता हूँ आज के इस वक्त से तो मुझे लगा कि सारी सारी चीज़ें सही हैं तो गाना कर लेते हैं इट वाज ब्रिलियंट एक्चुअली जब हमने सोचा कि एक गाना बनाते हैं टू सेलिब्रेट नॉस्टैल्जिया जो जिस इंसान का सबसे पहले जहन में नाम आया वो शान था क्योंकि मैंने उनका तन्हा दिल सॉन्ग सुना हुआ है तो मुझे लगा कि शान से बेहतर शायद एक आवाज़ नहीं होगी जो नॉस्टैल्जिया को सेलिब्रेट करने के लिए एक एक मुझे किताब लिखने के लिए एक रीज़न चाहिए मैं इसलिए किताब नहीं लिखता हूँ कि बहुत सारी रॉयल्टीज आ जाएगी और एक कोई मसाला नावल निकाल दो जिससे बहुत ही रोमांच पैदा हो जाए आई एम एन ऑथर बाई चांस मैंने किताबें लिखना तो छोड़ो मैंने किताबें कभी पढ़ी भी नहीं थी जब मैंने पहली किताब लिखनी शुरू की अपनी मेरे लिए किताब लिखना होता है एक मुद्दा होना चाहिए उस मुद्दे में मुझे कुछ शेयर करना है मेरी पहली किताब में मैंने अपनी एक गर्लफ्रेंड की सारी कहानी लिखी कि किस तरह से मैं उसके साथ कोर्टशिप पीरियड में था इट वॉज माई ट्रिब्यूट टू हर आई लॉस्ट हर इन एन एक्सीडेंट मेरी दूसरी किताब के लिखने की वजह यह थी कि आज की जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन जो जिस तरह के रोमांस एंगल में फंसी हुई है विच इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड आज मिनटों में लोग आई लव यू कह देते हैं और घंटों में फिर तलाक हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है तो उस पेचीदगी को मैं लोगों के सामने लाना चाहता था मैन आई रोट माई सेकेंड बुक कैन लव हैपन बाइस तीसरी किताब लिखने के लिए मेरी वजह थी कि आई वॉज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम माई बी स्कूल लास्ट ईयर एंड माई देन वुड बी वाइफ वुड बी ए क्वेश्चन दैट कि आपने 4 साल इंजीनियरिंग किया है 1 साल MBA किया इन दोनों में से सबसे अच्छा अकेडमिक पीरियड क्या था तो मैंने कहा कि इनमें से कोई भी नहीं था क्योंकि जो मेरा बेस्ट अकेडमिक पीरियड था वो जाता है बैक टू माई स्कूल डेज एंड आई वॉन्टेड टू रीलिव दोज मेमरीज दोज डेज अ वेरी सिंपल अभी रसो बता ही रहा था कि क्योंकि वो दिन मेरे लिए खास है क्योंकि मेरी हाफ पेंट के अंदर वो जो 25 रुपये होते थे मैं उसको ले के हाथ में पकड़े बहुत अमीर महसूस करता था आज उस 25 के 25 लाख बन गया आज लगता है कि अमीर होना बाकी है तो वो दिन बहुत सिंपल थे बहुत ही अच्छे थे एडवेंचरस थे मैं बहुत सारी चीज़ें नई नई सीख रहा था और लाइफ बहुत सिंपल थी जिम्मेदारी के नाम पर आपको सिर्फ होमवर्क करना था और एग्ज़ाम देना था आज फैमिली की जिम्मेदारियाँ ऑफिस की जिम्मेदारियाँ कॉलेज में जिम्मेदारियाँ हैं आप जिनके साथ डील करते उठना बैठना करते उनके साथ जिम्मेदारियाँ तो कहीं ना कहीं मैं उस दौर को बहुत बुरी तरह से मिस कर रहा था मैं उस दौर को फिर से एक बार जीना चाहता था प्रैक्टिकली आई कॉन्ट रीलिव दैट टाइम थियोरेटिकली आई रीलिव माई राइटिंग दिस बुक